फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्पैन ओपनिंग के बारे में, जो कि आती है हमारी यूनिट 5 के अकॉर्डिंग टू द एसपीपीयू सिलेबस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे टर्मिनोलॉजी लिंटल सिल एंड प्रोजेक्शन के बारे में, एंड देन द सेकंड वन इज द आर्च के बारे में। स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली लिंटल क्या होता है? सो जो लिंटल जो होता है वो बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो कि एक हॉरिजॉन्टल वे में प्लेस्ड होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर इसको हम कह सकते हैं। ये कहां पे फिक्स होता है? बेसिकली हमारी जो ओपनिंग्स होती हैं लाइक डोर, विंडोज, इनके ऊपर हमारा ये फिक्स होता है। यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड एज अ फॉर्म वाइज इज अ क्यूबॉइड, और अलग अलग तरीके के मटेरियल से हम इसको एज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी हम बना सकते हैं, लाइक वुड, स्टोन, ब्रिक, रेनफोर्स ब्रिक वर्क, रेनफोर्स कंक्रीट एंड आरएसजे सेक्शन बेस्ड बेटर इन सीमेंट कंक्रीट। करंट वाइज की अगर हम बात करें सिनारियो की, तो आरसीसी लिंटल जो है वो हमारा वो बहुत यूज होता है। ओके, सो इन अ जनरल डिस्कशन की बात करें, सो वुडन जनरल डिस्कशन की बात करें तो वुडन लिंटर जो होता है लायबल टू डिके, स्टोन लिंटर जो होता है वो कॉस्टली और वेरी हैवी होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आपको प्रॉपरली स्टोन पीस मिल जाए विदाउट फ्लॉस, विदाउट क्रैक्स। एंड स्टील सेक्शन की बात करें, आर वेस्टफुल बिकॉज जब वो लूज रहता है किसी एक्सपोज टू द सन और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन का इशूज होता है और देन रस्टिफिकेशन का भी इशू हो सकता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग टू द मटेरियल। अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो एज अ आर्च, तो आर्च में हमको एक्स्ट्रा हेडरूम की रिक्वायर्ड होती है, जबकि लिंटल के साथ ऐसा नहीं है। बट दैट इज अ प्रॉफिटेबल टू हैव एन आल्सो आर्च टॉपिक। सो आर्च को एब्यूटमेंट वॉल की स्ट्रॉन्ग एब्यूटमेंट की रिक्वायर्ड होती है, जो कि लिंटल के साथ ऐसा नहीं है। लिंटल आर मोर स्टेबल एज द सपोर्ट ऑफ द लिड और बीम एक्शन एंड ट्रांसफर द लोड्स वर्टिकल टू द वॉल। सो लिंटल इज अ वेरी सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन, दैट इज द ट्रू। लिंटल जो होता है वो काफी सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ओके, दिस इज द वेरी स्मॉल डिस्कशन। ये थंब रूल का शो करते हैं कि अगर हम लिंटल को एज एलिवेशन वाइज थिकनेस में हम एज्यूम करेंगे तो कितना करेंगे। तो दिस इज द थंब रूल, या तो वो 10 सेंटीमीटर हो या एवरी 4 सेंटीमीटर एवरी 30 सेंटीमीटर के स्पैन पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसमें से वैल्यू ग्रेटर होगी हम उसको चूज करेंगे। या अनदर एक और विलो है कि 1 ऑफ द 12th ऑफ द स्पैन और 15 सेंटीमीटर विच एवर इज ग्रेटर, मतलब कोई स्पैन है तो उसका 1/12 भाग जो होगा वो हम उसका डेप्थ में लेंगे स्पैन का, या फिर 15 सेंटीमीटर, इनमें से जो वैल्यू हमारी बड़ी आएगी दैट इज द टेकिंग ऑफ द लिंटल और डेप्थ वैल्यू। सो अब बात आती कौन कौन से टाइप के बेसिकली लिंटल हो सकते हैं। तो लिंटल का क्लासिफिकेशन हम एक ही चीज से कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल। सो मटेरियल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मटेरियल हमको स्ट्रेंथ मिल सकती है, दैट इज द वुडन बेस, स्टोन, ब्रिक, स्टील एंड आरसीसी एंड द रेनफोर्स ब्रिक लिंटल्स, आरबी लिंटल जिसको बोलते हैं। सो वन बाय वन वी आर डिस्कशिंग अबाउट दिस। सो अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट वन इज द वुडन लिंटल। तो वुडन लिंटल जो बेसिकली होता है तो हम उसमें वुडन के जो लैप्स होते हैं उनके जो पीसेस होते हैं वुड के हम उनको प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस पे। लेकिन अगर हमारी वॉल की थिकनेस ज्यादा है तो हम कैसे उनको प्लेस करेंगे? सो द थिंग इज अगर हम फिगर्स में देखें तो जस्ट वेट अ सेकंड, आई जस्ट चूज द पॉइंटर। तो द फर्स्ट पीस जो हमारे जो वुडन का लगाया है वो एक्सटीरियर फेस से, दूसरा पीस इंटीरियर फेसेस से, देन उसके बाद बीच के जो हमारी कैविटी वाला फेसेस बचता है उसमें हम लोगों ने एक पैकेजिंग पीस लगा देते ताकि ये दोनों पीस हिले ना, फिर उनको नट बोल्ट के थ्रू हम वी आर डूइंग द टाइटिंग ऑफ द लिंटल। सो दैट द प्रोसेस वी आर डूइंग इन द वुडन लिंटल। अनदर वन इज द स्टोन लिंटल। तो अगर स्टोन लिंटल की हम बात करें तो आई हैव नॉट मेंशन इन द फिगर। सो बस बेसिकली क्या होता है कि एक स्टोन का हम जो पीस है वो हम सिंपली अपने ओपनिंग के ऊपर जो है वो प्लेस कर देते हैं, दैट इज द स्टोन लिंटल। थर्ड वन इज कॉल्ड द ब्रिक लिंटल। सो ब्रिक लिंटल की बात करें तो हम बॉन्डिंग फ्लोर ये सब दैट इज द प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए वो हैव मेंशन इन द थ्योरी, बट या दिस इज द फिगर। जो ओपनिंग होता है तो हम उसमें हम ब्रिक ऑन एच फेसेस के बेसिस पे हम उनका जो है बॉन्डिंग करते हैं, दैट टाइप ऑफ फेसिंग। सो इस टाइप का जो एलिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड द ब्रिक लिंटल। अनदर थिंग हम देख सकते हैं कि जो आखिरी वाला ब्रिक है वो हम लोगों ने स्प्लिट हेडर जैसा प्लेस किया हुआ है, द सेम थिंग इज हियर, स्प्लिट हेडर ऑन दैट साइड। तो दो तरीके के हमारे ये ब्रिक लिंटल होते हैं जिसमें जनरली हम खाली प्लेसिंग करते हैं ब्रिक्स को एज अ ऑनर फेसेस पे जॉइनिंग करते हैं। तो इस टाइप के लिंटल को हम लोग बेसिकली ब्रिक लिंटल कहते हैं। देन अनदर वन इज कॉल्ड द स्टील लिंटल।
स्टील लिंटल को यहाँ पे थ्री तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कंक्रीट एम्बेडमेंट, स्टोन फेसिंग एंड मल्टीपल यूनिट्स। तो फर्स्ट हम एक एक की बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी से इज आरएसजे लिंटल। सो आरएसजे व्हाट व्हाई वी से, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी सेक्शन को अल्फाबेट के शेप में कास्ट किया जाता था लाइक आई और एच, तो हम लोग आरएसजे कहते थे। फुल फॉर्म इज अ रोल स्टील एंड जॉइस्ट, रोल स्टील जॉइस्ट लिंटल। तो ये आई सेक्शन होता है जिसको हम बीच वाले पार्ट्स को वेब बोलते हैं एंड अदर पार्ट को फ्लेंज बोलते हैं। सो हम देख सकते हैं कि अपनी ब्रिक वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने एक सेक्शन प्लेस किया। तो देन इसके बाद जब इस सेक्शन को प्लेस करते हैं, सो द प्रॉब्लम इज दैट कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होने की चांसेस है। द सेकंड वन इज द मॉइस्चर के कारण, एनवायरमेंट चेंज के कारण हम इस पर रस्टिफिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो देन व्हाट वी डू, सो देन उसके अदर बदर हम लोग जो है कंक्रीट को उसमें एम्बेड कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंक्रीट एम्बेडमेंट। सेकंड की जब हम बात करें तो लाइक कोई हमारी बिल्डिंग ऐसी प्लेस है जिसमें हमारा स्टोन सामने से फेसिंग है या फिर हम स्टोन दिखाना चाहते हैं, देन ऑन दैट केस हम इसके इस वेब वाले हिस्से में हम ये स्टोन के जो पीसेस हैं स्टोन लिंटल हम उसको प्लेस कर देंगे और देन बाकी जो अदर पीसेस बचा है उसमें हम अपना कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट जो है उसको हम प्लेस कर देंगे। तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ डिटेलिंग ऑफ द स्टील लिंटल। इन द थर्ड वन की जब हम बात करें, अगर हमारी ब्रिक वॉल की थिकनेस बढ़ रही है यानी कि वो ज्यादा है, सो उस केसेस में हमको मल्टीपल पीसेस में आरएसजे सेक्शन प्लेस करना पड़ता है। तो ऑन दैट केस हम उन तीन पीसेस को और दो या तीन पीसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम प्लेस करते हैं और देन वो प्लेसेस वो आरएसजे सेक्शन हिले ना या फिर वो कोई मूवमेंट ना हो तो उसके लिए हम उन तीनों को आपस में टाई करते हैं बोल्टिंग के थ्रू। So that process और then after that हम बाकी उस सारे places पे हम लोग सीमेंट कंक्रीट फिल करते हैं, सो ताकि उसमें रस्टिफिकेशन और अदर थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन के इशू थोड़े कम हो जाए। सो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द मल्टीपल यूनिट इंस्टॉलेशन इन द स्टील लिंटल। एंड अदर वन इज कॉल्ड द आरसीसी लिंटल। तो हाउ कैन वी हैंडल दैट, तो आरसीसी लिंटल्स की अगर हम जब बात करते हैं तो बेसिकली हमें इसमें क्या होता है, ये सेम कॉन्टेक्स्ट है इन द टर्म ऑफ बीम का बीम के एलिमेंट्स में। तो जब हम लिंटर्स कास्ट करते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें मेन जो थिंग होती है वो हमारी प्लेसिंग ऑफ बार्स होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 2-3 नंबरिंग दिख रही है, दैट इज द वन नंबर। तो हमारी एक बार जो है वो ऊपर ऊपर जो ये दो बार्स होती हैं, अगर हम किसी जगह रेक्टेंगुलर फ्रेम कास्ट करना चाहते हैं तो जो ये ऊपर वाली जो दो कॉर्नर की बार सेक्शन में हमको दिख रही है दैट इज कॉल्ड द एंकर बार। एंड देन द सेकंड नंबर थिंग जो हमको बार दिख रही है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जो सेकेंड नंबर बार दिख रही है दैट इज द अवर मेन बार सेकेंड, जो कि हमारी बॉटम साइड प्लेस होती है। एंड द थर्ड वन इज द बिल्ट अप बार। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के 3D के थ्रू कि कैसे हो सकता है। एक बार Like, ये एक वॉल, ये जो हमारी ऊपर की जो दो बार्स हैं दैट इज कॉल्ड द एंकर बार और फिर ये जो नीचे की जो दो बार है दैट इज कॉल्ड द बिल्ट अप बार। आई जस्ट चेंज द कलर और जो इन बार को आपस में बांधा है दैट इज थ्रू द स्टीरअप। तो स्टीरअप के थ्रू हम इनको बांधेंगे। एंड देन द थर्ड वन जो हमारी मेन बार जो कि लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी इनर्स में, सो जस्ट प्लेस थ्रू ब्लू कलर। So it's placing like this. So that is the third one is the built up main bar. Built up main bar. So this is the reinforcement detail of the RCC lintel. And the other we have placed the cement concrete. So we say it's a RCC. So these are the span detail कि हमें कितना thickness तक कितने mm तक का lintel लेना है। So that is the mention in the theory. Okay. And this is the projection. So again the same thing is followed. तो अगर हमें किसी heavy चीज को cantilever में project करना है like so there are two thing only कि हम उसके अपोजिट साइड उतना ही लेंथ या तो ले जाएं या फिर कोई हैवी पीस या कुछ हैवी कंक्रीट या फिर कुछ भी ऐसी प्लेसिंग हम उसके ऊपर रख देते हैं। तो उन्हीं दो केसेस में जो ही हम कैंटिलीवर चीजों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द प्रोजेक्शन। तो अगर हम बात करें तो जस्ट सेम थिंग आरसीसी लिंटर के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है,
मेन जो दो हमारे ऊपर के बार होते हैं वो एंकर बार, द सेम थिंग एंकर बार, दिस दिस एंड दिस इज द एंकर बार एंड दिस टू आर द बिल्टअप बार, ओके। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर कैंटिलीवर में हम जो बार है वो कैंटिलीवर के अकॉर्डिंग हम जितना हमको लेंथ आगे ले जाना है हम वो बार आगे ले जाते हैं थ्रू फिक्स करते हैं उस स्टिरप के थ्रू, ठीक है। देन अब ये जो नंबर्स ऑफ बार्स हम लोगों ने प्लेस की हुई होती है हॉरिजॉन्टली कैंटिलीवर के साइड, तो इनमें आपस में लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, सो दैट्स व्हाई हम उनको बांधने के लिए वी आर यूजिंग द अनदर बार्स, लाइक दिस। I'll change this color, please. So just wait a second. So upper side we are placing a bar along vertically to the place. So through this we have casting to the RCC projection. And then another important thing in the projection. So if we check this, ke jo hamara in the frontal hai, that is the 4 cm. तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन का कंटिन्यूअर का जो होता है पार्ट ये थोड़ा कम होता है और देन यहाँ पे जो पार्ट होता है दैट इज द बिगर देन दिस। द रीजन इज दैट कि जो हमारा वेदरिंग इफेक्ट के कारण जो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो भी बारिश या जो भी होते हैं सो वो प्रॉपर इस सर्फेस पर रुके ना फ्लो हो सके, दैट वी आर डूइंग द अस्लांटेड सर्फेस ऑन द अपर साइड। सो दिस इज द प्रोजेक्शन वी आर यूजिंग एट द एक्सटीरियर साइड ऑफ द our building, and this is the port lintel. So everything is the same, and every corner we are placing the RCC bar. So this is the basically design, and we are placing the RCC bar on this side, and this side, or according to the strength we are placing on this level also. So why we do this boot lintel? Because this is the boot lintel is always provided in the cavity wall. So the reason is that jo hamari interior wall hoti hai ye wali ye main wall hoti hai, so that's why we are providing the higher thickness on the main wall, and the jo exterior faces ki wall hoti hai wo thodi kam thickness ki hoti hai. So jo lower lintel wall side ka wall idhar ki jo wall hoti hai usme hum thoda lintel jo lintel ki thickness hai usko hum kam rakhte hain, so uske according to design jo hai wo hamara boot style ka ho jata hai, that's why we are saying it's a boot type of lintel. और उसी के लिंटल के ही कैविटी वाले फेसेस पे हम वी आर प्लेसिंग अ विंडो फ्रेम और डोर फ्रेम प्रोवाइडेड, ओके। सो अनदर टाइप इज द आरबीसी लिंटल, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अनदर। सो बेसिकली क्या होता है कि आरबीसी लिंटल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे एंड ब्रिक। कंक्रीट में जो जनरली क्या होता है उसमें सीमेंट कंक्रीट एंड देन रेनफोर्समेंट, सो इसलिए वी से इट्स अ कंक्रीट। सो अब कैसे इसको प्लेस करेंगे? सो फर्स्टली हम लोगों ने जो ब्रिक है ऑन एजेस पे फेसेस पे जो मैसनरी किया है, सो लाइक दिस, कि अगर हमारी जो ये ब्रिक्स की आई जस्ट मेक अ फिगर बट नॉट प्रॉपरली, सो प्लीज बट लाइक दैट वी आर प्लेसिंग द ब्रिक लाइक दिस, ओके। सो देन देयर इज अनदर लेयर आल्सो सेम ब्रिक ऑन फेसेस बिकॉज वी आर नॉट अचीविंग द थिकनेस टू वन। सो ऑन द गैप ऑफ दिस टू लेयर वी आर गिविंग अ रेनफोर्समेंट ऑन दिस गैप फर्स्टली, सो यू कैन चेक इट। जो हमारी मेन बार है वो हम लोगों ने इस तरीके से प्लेस किया दो कोर्स लेयर के बीच में, देन आफ्टर एवरी 3 to 4 लेयर हम लोग इस तरीके से जस्ट अलाइनमेंट में हम लोग हर 3 to 4 कोर्स ब्रिक के बाद जो है रेनफोर्समेंट इस तरफ की ओर भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि स्टिरअप इस तरीके से हमारा सेक्शन में मेंशन हो रहा है। सो इस टाइप के लिंटर के स्टेटमेंट को हम लोग बेसिकली इस तरीके को जनरली
लोग आरबीसी लिंटल बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द आरबीसी लिंटल. मेन कंपैरेटिव अगर बात की जाए तो जो हमारा ब्रिक लिंटल होता है आरबीसी लिंटल, बेसिकली जो ब्रिक लिंटल होता है उसका आफ्टर सम टाइम जो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होने लगता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ इशू आते हैं. सो दैट्स वाई जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जनरली डेवलप्ड हुए थे आरबीसी लिंटल, तो हम लोग जनरली उसको स्ट्रेंथ और उसको पूरा वन यूनिट कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. Okay, so these are the few cases or lumps of four cases when we designing the lintel. So basically जो cases हैं वो हमारे अलग अलग vary करते हैं, जैसे कि हमारा जो door का opening है वो किसी wall के एक side है, another side बड़ी wall है, तो obviously है कि lintel एक side load ज्यादा होगा एक side कम होगा. तो जो lintel के ऊपर जो अलग cases में lintel के breakers होते हैं जो studies होती है, like हमारे डोर के ऊपर ओपनिंग है ही नहीं, वो ओपनिंग है सॉरी, ऊपर लोड ही नहीं है, तो उस केसेस में, और अगर लोड है तो दोनों केसेस में सिनारियो डिफरेंस होते हैं. तो लोडिंग केसेस क्या क्या हो सकते हैं लिंटल पे, दैट आर मेंशन इन आवर ड्राइंग आवर प्रेजेंटेशन. सो दीज आर वेरी टेक्निकल, सो आई एम नॉट एक्सप्लेन इन दिस प्रेजेंटेशन. The another term is window sill. So window sill also is a horizontal member, structural member. It's placing starting on the any opening like window or ventilator, but we are not placing below on the door, so don't make a confusion. So it's always provide on the window and ventilator, below the ventilator. So the sill is only that the same thing. Then when we talk about the sub sill, so I will show you कि हमारे market या product में ऐसे काफी सारे ऐसे design element जो कि आते हैं, जो कि हम as a sub sill after the provide कराते हैं window के बाहर से, ताकि जो हमारा weather है, sorry जो हमारा water है, raining water है, drain, वो proper drain हो सके. So that is called the sub sill element. So these are the various steps of design. इसको हम लोग एज अ ब्रिक में अगर बात करें तो दैट इज द प्लेस स्ट्रक्चर, को इस तरीके से प्लेस करते हैं. सो दैट इज द फिक्सेट. ओके, सो वी आर जस्ट मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट इज द स्ट्रक्चर सिस्टम. वी आर एक्सप्लेनिंग, वी आर डिस्कशिंग अबाउट द आर्च सिस्टम इन दिस सेक्शन. सो द फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारे जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुए वैसे वैसे हमारे स्ट्रक्चर सिस्टम जैसे जैसे रिक्वायर्ड है स्पैन ओपनिंग की, वैसे वैसे हमारे स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप होते गए. अगर हम देखें तो दीज आर द वेरी फेमस फिगर्स. सो कॉलम बीम के स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली ट्रैबियटेड स्ट्रक्चर बोलते थे, बिकॉज ग्रीक के वर्ड में ट्रैब मींस बीम होता है. देन द सेकंड जो हमारा डेवलप हुआ दैट इज द आर्कुएटेड, जो कि मुस्लिम आर्किटेक्चर्स में बहुत ही अपनाया गया, जो कि आर्किटेक्चर में बेसिकली एलिमेंट जो आते हैं हमारे आर्च, वॉल, डोम, स्क्विंच आते हैं. देन थर्ड वन इज द टेंसाइल स्ट्रक्चर, जिसमें हम मेटल्स के मेंबर्स के थ्रू वो स्ट्रक्चर्स को जो प्लेस करते हैं. कैन आज के टाइम में हम लोग ये बहुत जगह पे देख सकते हैं, बहुत जगह पार्किंग शीट से लेकर के देन द वेरियस पवेलियंस एंड एवरीथिंग. देन द फोर्थ टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर मीन्स कि जहाँ पे हमारी वॉल एंड रूफ एक जैसे में कास्ट होती हो, जो शेल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द सेल स्ट्रक्चर बेसिकली. सो सिडनी ओपेरा हाउस, लोटस टेम्पल, बहाई टेम्पल, वे से इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. देन अनदर वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेटिक स्ट्रक्चर. सो न्यूमेटिक स्ट्रक्चर बेसिकली इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एयर एंड वॉल्यूम. सो हम लोग भी समझ सकते हैं कि जनरली क्या होता है, जब कोई हम गुब्बारा होता है या फिर कोई बैलून, सो उसमें हम जब हवा भरते हैं तो उसमें उसको जब जमीन पर रखते हैं तो वो एक जगह स्टेबल हो जाता है. सो द सेम फिलॉसफी वॉज फॉलोड बाई दिस फिगर ऑल्सो. उसमें क्या होता है बेसिकली कि बाहर के वॉल्यूम एयर के और अंदर के एयर वॉल्यूम को वो इक्वल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो होता है वो एयर स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है. ओके, सो अब हम बात करते हैं आर्कुएटेड स्ट्रक्चर में आर्च की. सो बेसिकली हमको ज्यादा स्पैन की जब रिक्वायर्ड हुई तो देन वो चीजें लिंटर से उतनी हमको अचीव नहीं हो पा रही, देन वी जस्ट सर्च आउट द आर्च. सो हम पहले आर्च के टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं. तो आर्च में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द स्पैन. From length from this point, that is called the span first. Then the second term is a very important, that is जो भी हमारे आर्च में लगने वाले ब्रिक्स होते हैं उनको हम लोग वज़ूर बोलते हैं, VOUSSOIRS, वज़ूर. Then another thing, आर्च की जो हमारी निचली सर्फेस होती है और जो हमारी आउटर सर्फेस, तो दो टाइप की होती है, इनर एंड आउटर. तो हम इनर सर्फेस को इंट्राडोस एंड आउटर सर्फेस को एक्स्ट्राडोस बोलते हैं.
देन अनदर थिंग, जब भी हमारा आर्च स्टार्ट होता है या किसी वॉल से या किसी कॉलम से, तो अगर वॉल से वो स्टार्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड, दैट वॉल इज कॉल्ड द एब्यूटमेंट। एंड हम लोगों ने कॉलोनियल आर्किटेक्चर में हर बार देखा होगा कि दो आर्च आकर के एक कॉलम पे रेस्ट होते हैं, तो उन कॉलम को पायर्स बोलते हैं। आर्च जिस मेन ब्रिक पे आकर के अपना लोड ट्रांसफर करता है, हम लोग देख सकते हैं पूरा ब्रिक, सो दैट स्टोन या दैट पीस इज कॉल्ड द, दैट इज कॉल्ड द इम्पोस्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी हमारा सेंटर के ऊपर का जो मेन ब्रिक जो कि आर्च का होता है, दैट इज कॉल्ड द की ब्रिक या की स्टोन। ओके, देन अनदर टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्पैंड्रल। सो जब भी कोई लाइन सीरीज में आर्चेस आते हैं, सो जो हमारा ये ट्रायंगुलर स्पेस जो बनता है दिस, सो द ट्रायंगुलर स्पेस बिटवीन टू कंजुकेटिव आर्चेस इज कॉल्ड द स्पैंड्रल। सो स्पैंड्रल इज द अनदर टेक्निक। इसके अलावा जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड द सेंटरिंग। जब हमें किसी स्लैब को कास्ट करना होता है तो हम उसको शटरिंग बोलते हैं, आर्जेंट एलिमेंट और वर्टिकल एलिमेंट को कास्ट करने के लिए फॉर्मवर्क बोलते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर में। लेकिन जब हमें कभी किसी आर्च को कास्ट करना होता है तो जो फॉर्मवर्क किया जाता है टेम्परेरी, उसको हम लोग सेंटरिंग बोलते हैं। सो दिस इज द शीट ऑफ सेंटरिंग। सो हियर वी कैन सी इट कि कैसे वुडिंग वुडन बोर्ड और कैसे ब्लॉक को प्लेस किया जाता है फॉर मेकिंग आर्च, for casting arch. So this is for segmental, this is for semicircular. Okay, so ab yahan se baat karte types of arch ki. So the first one is called the false arch, is a flat Italian or decorative arch, and the second one is called the true arch. So hum log jo arch ka arch padhenge ki kaise hum log center lekar ke unko draw karte hain, hum khali utna hi padhenge. So false and true arch mein kya difference hai? False arch means ki jisme hum log kabhi masonry use na karte ho, just khali place kar dete ho, yahan yahan inke kisi joint pe koi bhi masonry place nahi hui ho, to is type ke arches ko hum log basically false arch bolte hain, jisme hum masonry use nahi karte. Then the next one is called, ab hum yahan pe these are the various types of arches, so we are not discussing about there. So ab baat karte hain true arches mein kuch kuch ka center ko kaise hum log lete hain. So the first one is called, hum log se jab pucha jata hai to aisa pucha jata hai ki kaun se one center ka arch hote hain, kaun se two center, kaun se span ke upar jinka center hota hai, kiska span ke niche hota hai, kahan pe hota hai. So that hum us terminology mein baat karenge. To hamara first agar baat kare, that is the semi circular arch. To isme jo hamari span line hai usi ke just half pe jo center hum mark karke radius karte hain, that is called a semi circular arc, or ise aisa roman arch. देन अनदर वन इज द हॉर्सू आर्क। तो इसमें जो हमारा स्पैन लाइन होता है, उस स्पैन लाइन के जो मेन राइजर होता है, राइजर के ऊपर 0.1 थर्ड तक हम जो भी सेंटर मार्क लेते हैं और फिर इस रेडियस के थ्रू वो जो आर्च क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉर्सू आर्क, दैट शेप। तो बेसिकली रीजन ये है कि हॉर्सू में क्या होता है, जो आर्च होता है वो सेमी सर्कुलर से थोड़ा ज्यादा होता है, ये एक डिफरेंस होता है सेमी सर्कुलर एंड हॉर्सू। एंड द थर्ड वन इज द, तो अगर हम देखें सो इन दो में कंपैरेटिव एनालिसिस के वाइज, तो इसका सेंटर स्पैन लाइन पे, इसका सेंटर स्पैन लाइन के ऊपर है। देन द थर्ड वन इज द सेगमेंटल आर्च। तो अब हम सेगमेंटल आर्च में क्या होता है, जो स्पैन लाइन होता है वहां से हम ये लाइन 60 डिग्री एंड देन ये लाइन 60 डिग्री उस सेंटर से, तो जो जहां पे आकर के मिलेंगी, सो दैट इज अवर सेंटर। सो उस सेंटर से लेकर के यहां तक की रेडियस का जो हम आर्च लगाएंगे, दैट इज अवर द सेगमेंट ऑफ द आर्च। तो अगर हम इसमें कंपैरेटिव देखें तो सेंटर जो है हमारा स्पैन लाइन के नीचे है। सो दिस इज, यहां तक हम बात करें तो ये तीनों आर्च हमारे वन सेंटर आर्च थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर आर्च, दैट वी से इट्स अ बास्केट आर्च, थ्री एंड सेंटर आर्च। तो अब ये थ्री सेंटर आर्च हम कैसे लेते हैं, तो फर्स्ट थिंग कोई भी हमारा अगर स्पैन होता है तो स्पैन के हम 1/4 पार्ट करते हैं, 1/4 करके चार पार्ट। तो हम वन पार्ट और लास्ट के वन पार्ट हम लेते हैं, इनसे हम जस्ट सेगमेंट जैसे आर्च हम लोगों ने ड्रॉ किया, द सेम थिंग कि हम 60 डिग्री लाइन करके नीचे एंड देन 60 डिग्री लाइन करके नीचे। सो वी गॉट, दिस इज द फर्स्ट वन सेंटर एंड द टू सेंटर इज दिस एंड थ्री थर्ड सेंटर इज द दिस। तो हम पहले इस रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं, एक सेगमेंट, एक सेगमेंट एक आर्च बनाते हैं, देन सेम रेडियस का इधर से एक आर्च बनाते हैं एंड देन फिर इस सेंटर को और इस रेडियस को लेकर के एक सेगमेंट बनाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ आर्च इज अ, मैं यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज द स्पैन, दिस इज द 1/4, दिस इज द अगेन 1/4। सो यहाँ से हमने 60 डिग्री लाइन इधर किया और देन इधर से 60 डिग्री लाइन इधर किया। सो ये हमारा सेंटर 1, 2 एंड 3। सो इजली अंडरस्टैंड, तो पहला हम ये सेंटर लेकर के ये आर्क डेवलप करते हैं
देन ये रेडियस लेकर के इधर सेम रेडियस होगा और ये आर्क लगाते हैं, देन फिर इस सेंटर से सेंटर थ्री हमारा, तो ये सेंटर से ये रेडियस लेकर के जो हम आर्च लगाते हैं दैट इज आवर फाइनल आर्च। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बाकी के जो हम लोग 1, 2, 3 पढ़े दैट इज आर द वन सेंटर आर्क एंड द 4, 1 इज द टू सेंटर आर्च। ओके, सो दिस वन इज लिटिल बिट टिपिकल, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, हम किसी दिन आर्च पे पूरी टिपिकल सीरीज बनाएंगे। देन सिक्स वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्क दैट इज द रैम्पेंट आर्च। रैम्पेंट आर्च इवन दैट इज द रैम्पेंट वॉल्ट इज वेरी फेमस, किसी दिन इस पे इंडिविजुअल हम लोग इस पे एक एक आर्च पे प्रेजेंटेशन बात करेंगे। सो हाउ वी कैन मेक कंस्ट्रक्ट, तो सब फर्स्ट थिंग इज कि वी टेक अ स्पैन, तो उस स्पैन के 1/4 पार्ट पे हम एक परपेंडिकुलर टेंजेंट खड़ा करेंगे और वो होगा हमारा एग्जैक्टली इसके क्वार्टर सर्कल के बराबर। तो देन इसके बाद इसके हाफ पार्ट पे लेंगे और इसके हाफ पार्ट का अगेन एक क्वार्टर सर्कल लेंगे, तो फिर उसके बाद ये लाइन को स्ट्रेट यहां मिलाने के, सो दैट आर्च इज कॉल्ड द रैम्पेंट आर्च। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं तब तक रेड कलर से। सो फर्स्टली ये स्पैन लाइन, देन अगेन टेंजेंट उसके ऊपर, सो स्पैन और जो हमारा सॉरी टेंजेंट कह रहा है ऐसा परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर हमारा ये लेंथ इसके लेंथ के ये लेंथ इक्वल होगी, सो हमारा सेंटर वन, सो इट्स अ टू सेंटर आर्क बेसिकली। तो ये सेंटर और ये रेडियस लेकर के हम एक आर्च क्रिएट करेंगे जो कि इक्वल होगा क्वार्टर सर्कल के, फिर ये सेंटर और ये सेंटर को लेकर के एक आर्च रेडियस को लेकर के आर्च क्रिएट करेंगे, तो एक तरह से देखा जाए तो दो क्वार्टर सर्कल होते हैं, सो दैट आर्च इज कॉल्ड द रैम्पेंट आर्च। इसके बाद हम बात करें तो हम लोगों ने भी जो पढ़ा वन सेंटर आर्च, टू सेंटर आर्च, वन सेंटर में तीन वैरायटी स्पैन लाइन पे, स्पैन लाइन के ऊपर, स्पैन लाइन के नीचे, देन थ्री सेंटर आर्च, देन टू सेंटर आर्च, देन अनदर टू सेंटर आर्च या इक्विलेटरल आर्च, इक्विलेटरल ट्रायंगल या जो भी हम बोल सकते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है जो स्पैन लाइन होती है तो हम स्पैन लाइन को ही रेडियस ले लेते हैं और एक बार इस सेंटर से एक आर्च और एक बार अनदर दूसरे सेंटर से एक आर्च, तो जो ये आर्च हमारा बनता है दैट इज द इक्विलेटरल आर्च। तो हम यहां बात करें तो दो सेंटर हैं जो कि हमारे एग्जैक्ट स्पैन लाइन के कॉर्नर पे हैं। देन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग आर्च जो कि यूज होता है हमारी क्रिश्चियनिटी में दैट इज द एक्यूट एलियन सेंटर, और ये कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा आर्च होता है जिसका सेंटर आर्च के बाहर होता है, सो उस आर्च को हम लोग एक्यूट लेंस सेट करते हैं। कैसे लेते हैं सेंटर, इसमें बेसिकली स्पैन हमारे बहुत छोटे होते हैं, अगर आपने चर्च वगैरह देखे होंगे तो उसमें स्पैन छोटे होते हैं, आर्च बड़े बड़े होते हैं, सो जो ये हमारी स्पैन लाइन होती है तो इसमें हम एक लेंथ लेते हैं, इसका डिटेल बाद में देखेंगे, लाइक जो लेंथ लेते हैं वो स्पैन लाइन से ज्यादा लेते हैं, तो एक सेंटर हम सेम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस का मार्क करेंगे और सेम उतनी डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे, एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस पॉइंट हम इसको ए बोलते हैं इसको बी, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की रेडियस लेकर के पॉइंट ए को सेंटर मार्क करके एक आर्च क्रिएट करते हैं और देन द सेम रेडियस से हम इसको पॉइंट सी बोलते हैं, तो पॉइंट सी से सेंटर सी लेकर के एक रेडियस मार्क करते हैं, तो जो आर्च हमारा बनेगा दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंड लेंसेंट आर्च। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड एवरीथिंग, फॉर वाइवा एंड एवरीथिंग, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस आर आई एम एक्सप्लेनिंग द बेसिक आर्च एंड हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट इट। सो these are from another decorative arch, these are very easy, so and these are my the references, here my presentation end, so I'm hopeful ki you can like my video, so I have referred basic firstly Indian writer book and then I refer some foreigner author's book, so if you like my video, like my lecture, so please like my video and subscribe my channel for my upcoming videos or for more updates, and if you want this presentation in a soft format, soft copy format, PDF format, so you can just check my caption of the video, I paste the presentation link in my caption. Thank you so much.